निम्न फलों के लिए लैंगराज मध्यमान प्रमेय की सत्यता की जांच करो। निम्न फलों के लिए लैंगराज मध्यमान प्रमेय की सत्यता की जांच करो। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स बिलोंग टू वन और थ्री। अपन हल करेंगे फलन एफ एक्स बराबर एक्स से एक्स प्लस ए बटा एक्स, जो स्वर्त अंतराल एक और तीन में परिमित और विद्यमान है और f x बराबर x प्लस वन प्लस x का डी डब्ल्यू आर टी एक्स एक्स प्लस करेंगे हम एफ एस एक्स एक्स का प्लस वन और इसका वन पर एक्स का प्लस माइनस वन अपॉन एक्स हो गया वन और बात और से तब तो ये हो गया इसका और एक्स हो गया अपने वन पर एक्स ऊपर लेकर एक्स पर माइनस वन पावर बात और से कम तो ये वन माइनस वन सही वन अपॉन एक्स पर। तो अब ये एफ डेस एक्स जो विवर्त अंतराल विवर्त अंतराल एक और तीन में अवकलनीय है क्योंकि इसका मान विद्यमान है जो विवर्त अंतराल एक तीन में अवकलनीय है क्योंकि इसका मान विद्यमान है क्योंकि इसका इसके अवकलन परिमित है। तो ये लैंगराज की दोनों प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, लैंगराज की दोनों शर्तों को ये संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये स्वर्त अंतराल में परिमित स्वर्त अंतराल में सतत है। तो एफ एक्स तो स्वर्त अंतराल एक और तीन में परिमित विद्यमान है तो इसका मतलब ये इसमें हो जाएगा सतत। और एफ डैश एक्स का अवकलन किया अपन एक और तीन अवकलनीय है तो ये फलन एफ एक्स जो एक और तीन में अवकलनीय तो ये लैंगराज के दोनों प्रमेय को संतुष्ट करता है। तो अब देखो आपके पास एफ ए एफ ए एक ही जगह अपने पास मान है वन एक ही जगह अपने पास मान है वन ये मान रखेंगे अपन इसमें वन प्लस वन से वन बटा वन ये आया अपने पास एक प्लस एक बराबर आ गया दो एफ वन बराबर आ गया दो एफ बी बी की जगह अपने पास है तीन तो तीन प्लस एक बटा तीन प्लस सब ले लो तीन ये तीन तो तीन समझ गया नौ प्लस एक एफ थ्री का मान आ जाएगा अपने पास प्लस बटा तीन। अब चाहिए अपने को बी माइनस ए बी का मान अपने पास कितना है तीन माइनस ए आएगा दो एफ डैश सी बराबर ये लैंगराज प्रमेय ये एफ एक्स यानी ये लैंगराज के दोनों प्रमेयों को क्या करता है संतुष्ट करता है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए और बी माइनस ई एफ डैश सी का मान एफ डैश सी आ जाएगा अपने पास ये वन माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर बराबर एफ बी एफ बी का मान है अपने पास दस बटा तीन ए का मान अपने पास है दो बी माइनस ए ये अपने पास आएगा तीन में से एक गया ये आएगा दो तो वन माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर बराबर दस सब आगे तीन दस तीन छ माइनस छ आ गया अपने पास हर में दो है
तो 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर बराबर 4 बटा 6 काट दो 2 से ये 3, तो यह है 1 प्लस 2 बटा 3 बराबर ये 1 2 बटा 3 का मैंने पक्षण लगा दिया 1 अपॉन सी स्क्वायर, तो मैंने इसका पक्षण लग दिया 2 बटा 3 का पक्षण लग दिया, तो यहाँ पक्षण लग प्लस 2 बटा 3 प्लस का है तो जाते हो गया माइनस, माइनस के अंदर आते हो गया प्लस, तो यह आ गया लसक 3 माइनस 2 अपॉन 3 1 अपॉन सी स्क्वायर, और अब आ जाएगा मैंने पास ऊपर 1 बचा 1 बटा 3 1 अपॉन सी स्क्वायर, सी का मान आ जाएगा इसका डायरेक्ट वर्गमूल ले लिया मैंने रूट 3 वैसे गुणा हो गया डायरेक्ट, चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो सी स्क्वायर बराबर 3, सी का मान आएगा प्लस माइनस 3, अपने पास क्या है 1 और 3, तो देखो आप सी बराबर ले लेता हूं मैं प्लस रूट 3 बिलोंग टू 1 और 3, इसलिए रोल कर ले ये लैग्रांज, सॉरी ये लैग्रांज प्रमेय सत्य है, क्योंकि ये लैग्रांज प्रमेय वही होगा जब दिया गया फलन स्वर्ण अंतराल में परिमित विद्वान हो तब फलन सतत होता है, तो ये अपने से नोट कर दिया, क्योंकि बहुपद फलन है ये हमने जांच करके लिखा है कि परिमित विद्वान परिमित ये एक्स प्लस 1 बटा एक्स जो स्वर्ण अंतराल 1 और 3 में परिमित और विद्वान है इसलिए सतत है, फलन एफ एक्स एक्स प्लस 1 प्लस एक्स एक्स सब मैंने प्लस किया एक्स का हो गया 1 1 अपॉन एक्स हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो युद्ध अंतराल 1 और 3 में अवकलनीय है क्योंकि इसका मान विद्वान है इसके अवकलनीय अवकलन परिमित इसका अवकलन का परिमित अनंत नहीं आ रहा है 1 और 3 मान रखो इसका अब परिमित मान नहीं आ रहा इसलिए परिमित है ये फलन एफ एक्स जो 1 और 3 में अवकलनीय है ठीक है ना, और एफ ए का मान 1 है 1 रख दिया तो याद 2 एफ बी बराबर 3 है या 3 का लसा बाई 3 3 3 9 9 बटे 10 10 बटा 3 बी माइनस ए बी का मान 3 है यह आया, तो ये आप चाहो तो इस जगह आप ये भी लिख सकते हो लैग्रांज प्रमेय से यहां से लैग्रांज प्रमेय लैग्रांज प्रमेय होता है एफ एस सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए एक्स ये अवकलन किया हुआ एक्स इज सी रख दिया मैंने ये आ गया एफ एस सी एफ बी का मान मेरे पास पड़ा है यहाँ पर देख पा 10 बटा 3 ए का मान मेरे पास पड़ा है 2 धीरे 2 2 10 बाई 2 तो ये 3 2 6 2 ये घर में आ गए 6 4 बटा 3 4 बटा 3 2 के बाद में 2 बटा 3 2 बटा 3 का मैंने राइट पर संकल्प कर दिया प्लस है उधर जाता होगा माइनस ये माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस 3 में से 2 गया ऊपर बचा अंश में बचा 1 बटा 3 ये सी स्क्वायर का वजन बढ़ गया और 3 का लिया गया सी का मान आएगा प्लस माइनस रूट सी बराबर प्लस रूट ले तो 1 और 3 के अंदर रूट 3 आता है रूट 3 मान 1 और 3 के मध्य आता है क्योंकि रूट 3 का मान आता है 1.732 तो इसके अंदर आता है 1 और 3 के मध्य ये लैग्रांज प्रमेय सत्य है क्योंकि ये लैग्रांज की ये लैग्रांज की दोनों शर्तों और अंडर रूट 3 बिलोंग टू 1 और 3 के मध्य है इसलिए लैग्रांज प्रमेय सत्य ये लैग्रांज प्रमेय सत्य है क्योंकि कारण लिख दिया मैंने लैग्रांज के दोनों शर्तों और रूट 3 ये जो रूट 3 है वो 1 और 3 के मध्य है क्योंकि रूट 3 का मान 1.732 है इसके मध्य है इसलिए लैग्रांज प्रमेय सत्य है। होश वालों को क्या खबर है, निम्न फलनों के लिए लैग्रांज मध्यमान प्रमेय की सत्यता की जांच करो। तीसरे का मैंने सी लिया है फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स बिलोंग टू माइनस 2 और 3 के मध्य है ये दिया गया लैग्रांज मध्यमान प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए। तो लैग्रांज मध्यमान प्रमेय क्या होता है, पहले वो फलन अपने स्वर्त अंतराल में सतत होना चाहिए, दूसरी उसकी शर्त है व्यूहर्त अंतराल में वही फलन
अवकलीन होना चाहिए, अगर है तो लैग्रांज की दोनों शर्तों का वो प्रतिबंध करता है, तो एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा, तब सी बिलोंग टू व्योतंत्राल ए बी, तो सी उसमें से होगा, तो लैग्रांज की प्रमेय सत्यता की जांच हो जाएगी। तो देखो आप, ये फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस दो, जो एक बहुपद है, जो एक बहुपद है, और हम जानते हैं प्रत्येक बहुपद सर्वतः सतत व विवर्त अंतराल में अवकलनीय होता है, अवकलनीय यानी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस टू, जो बहुपद है, हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद सर्वत्र सतत विवर्त अंतराल में अवकलनीय होता है। तो पहली शर्त एफ एक्स जो स्वर्त अंतराल, स्वर्त अंतराल माइनस दो और तीन पर सतत है, एफ एक्स जो विवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल माइनस दो और तीन पर अवकलनीय है, क्योंकि ये सतत फलन, इसका मतलब ये लैग्रांज की दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। इसलिए इसलिए लैग्रांज प्रमेय में एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए ये होगा, और सी बिलोंग टू ए बी के मध्य होगा, तब रोल प्रमेय की तीनों शर्तों को, दो शर्तों को पालन करता है, और तीसरा एफ डैश सी तब होगा जब सी ए बिलोंग टू बी के मध्य होगा, यानी ए बी के विवर्त अंतराल के मध्य होगा। और ये आपके लैग्रांज प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। तो देखो आप, एफ डैश एक्स एफ एक्स बराबर है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो एफ डैश एक्स आ गया मेरे पास, इसका प्लस टू एक्स माइनस थ्री, एक्स की जगह मैं सी लिख रहा हूं, एफ डैश सी टू सी माइनस थ्री, ठीक है ना, टू सी थ्री, टू सी माइनस थ्री ये आ गया मेरे पास एफ डैश सी। अब अपने पास एफ बी और एफ ए, एफ ए की जगह अपने पास कितना है माइनस टू, फलन में माइनस टू रख लो आप, माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री माइनस टू प्लस टू, दो का वर्ग आ जाएगा चार, माइनस माइनस प्लस का छह प्लस के टू बराबर आ जाएगा बारह। एफ बी, बी की जगह अपने पास है थ्री, तो सीधा रख दो, तीन का वर्ग हो जाएगा नौ, माइनस तीन इंटू तीन प्लस टू या आ गया टू, तो इसका मतलब एफ बी थ्री का मान आ गया टू,
और b माइनस ए, बी माइनस ए, बी का मान अपने पास कितना है 3 माइनस 2 बराबर माइनस माइनस आ गया प्लस, ये आ गया अपने पास 5। एफ डेट सी बराबर इस सूत्र में मान रख देंगे। अब देखो आप सूत्र में अपने मान आ जाएगा 2c-3। एफ बी का मान अपने पास है 2 माइनस एफ ए का मान ये पड़ा अपने पास 12 अपॉन बी माइनस ए, ये रह गया 5। 2c-3 माइनस के 10 बटा 5, 5 का 10 में भाग गया 2 बार, 2c-3 यहां बचाएगा अपने पास माइनस का 2, यहां गया 2c-2, माइनस 3 का पक्षांतर किया प्लस 3, यहां आ गया अपने पास ये 2c बराबर प्लस का 1, c बराबर आ गया 1/2 यानी आधा। तो आधे का मान c जो है, ये मान c बराबर आ गया अपने पास 1/2 बिलोंग टू माइनस 2 और 3 के मध्य है, इसलिए लैग्रांज c का मान माइनस 2 और 3 के मध्य विभवांतर अंतराल के मध्य है, तो लैग्रांज प्रमेय सत्य है। ये 6 नंबर का सवाल आता है बोर्ड में, 6 नंबर भाषा पर आधारित सवाल है। कन्वर्ट करते समय दो चीजों को ध्यान रखना विशेषकर निम्न फलनों के लिए लैग्रांज मध्य पर की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये fx बराबर x²-3x+2, x बिलोंग टू माइनस 2 और 3, ये fx x²-3x+2 एक बहुपद है। हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद सर्वत्र सतत और विभवांतर अंतराल में अवकलनीय होता है, इसलिए लैग्रांज की दोनों प्रमेयों को ये संतुष्ट करता है। जैसे fx जो सर्वत्र अंतराल माइनस 2 और 3 में सतत है, fx जो विभवांतर अंतराल माइनस 2 और 3 में अवकलनीय है, ये लैग्रांज की दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। इसलिए लैग्रांज प्रमेय से fx बराबर fb-fa=b-a, c बिलोंग टू ab, मैंने सूत्र लिखे क्योंकि सूत्र के नंबर है, जब 6 नंबर के सवाल आएंगे तो इसके नंबर मिलेंगे आपको, और इसके भाषा पर आधारित है तो दो एक पॉइंट लिखने के नंबर है। fx बराबर x²-3x+2 है, मुझे f'c निकाला है, तो मैंने इसका इक्वेशन, इसका चाहो तो आप इक्वेशन भी दे सकते हो। मैंने इक्वेशन फर्स्ट का dwrtx यानी सीधा x के साथ में ऑपरेशन किया, आपकी किताबें वगैरह पास में सीधी ठोकती है, कोई मतलब नहीं। ये अपने इक्वेशन फर्स्ट का ऑपरेशन कर दिया, f'(2x-3) x की जगह अपने रख दिया c(2c-3) fa का मान -2, तो मैंने फलन के अंदर -2 रख दिया, तो अपने पास -2 को बराबर है 4, -- प्लस के 6, और ये अपने पास प्लस के 2 है, ये आगे प्लस के 12। fb की जगह अपने पास है यहाँ पर 3, तो 3 का बराबर हो गया 9, -3 × 3 ये भी 9 हो गए, -9 प्लस 9 चले गए पीछे बच गए 2। f3 बराबर आ गया 2, b-a 3 माइनस के 2 -- प्लस ये आ गया अपने पास 5। 2c-3 fb का मान 2 है, fa का मान माइनस f माइनस है, fa का मान अपने पास कितना 12, ये बड़ा 12, ये हमें 5, माइनस के 12 में से प्लस के 2 गए माइनस के 10, 5 का भाग इसमें गया 2, तो ये प्लस माइनस है तो माइनस के 2 आ गए, -3 का मैंने पक्ष में गया प्लस 3, यहां बच गया प्लस 3 में से माइनस के 2 चले गए तो बच गया अपने पास 1, तो 2 का मैंने भाग लगा दिया 1/2 सी का मान आया, जो सी बराबर -2 और 3 के मध्य आता है, इसलिए लैग्रांज प्रमेय सत्य है। सी बिलोंग टू ए है, इसलिए लैग्रांज प्रमेय सत्य है। गणित के अंदर हमेशा ध्यान रखना बारीक गलती टीचर कभी चेक नहीं करता, अगर वो इस तरीके से चेक करता तो कभी भी गणित में 100 में से 100 नंबर नहीं आते। क्यों? बिल्कुल आपका सूत्र गलत है, आपका विधि गलत है तो कटेगा। बारीक गलतियों को टीचर हमेशा नेगलेक्ट करता है, सब्जेक्ट ओनली फॉर गणित और किसी सब्जेक्ट में नहीं, क्योंकि गणित में ये भाषा पर आधारित या किसी सिस्टम पर नंबर नहीं मिलते। लेकिन फिर भी बारीक गलती छोटी मोटी लिखने में हो सकती है, वो कैसे
दरकिनार नहीं होना चाहिए, आपका आंसर गलत नहीं आना चाहिए, आपका तरीका गलत नहीं होना चाहिए, आपका प्लस माइनस पक्षांतर गलत नहीं होना चाहिए। बाकी आपके छोटी मोटी गलती गणित में हमेशा दरकिनार होती है, ये 100% सही है। इसलिए आप थोड़ा विशेषकर ध्यान रखना, किसी के बहकावे में मत आना, क्योंकि ये गणित है, नहीं तो 100 नंबर किसी को नहीं आते, ऐसा कोई बाहर बट नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना विशेषकर, ठीक है ना। ये आपके पास क्वेश्चन है, मैंने 2 बार समझा दिया। ये बोर्ड में 6 नंबर का सवाल आता है, चाहूं तो इसको 3 लाइन में कर सकता हूं सीधा डायरेक्ट यहीं से। इसका अवकलन कर दो, इसका अवकलन कर दिया, 2x-3 इसके बराबर 0 कर दो। ये सवाल शॉर्टकट भी हो सकता है, सीधा एक लाइन के अंदर 2x-3 बराबर 0, तो ऐसा मान आ गया अपने पास कितना, या सीधा कर सकते हो। तो ये सीधा करेंगे तो ये सीधा भी मान आ सकता है, जैसे रोड पर मैं f(x) बराबर 0 किया तो x मान सीधा नहीं ले सकते, लेकिन नहीं, जांच करने के लिए आपको ये जरूरी है। इसलिए ये आपके लैग्रांज और रोल्स प्रमेय के मैंने आपको सवाल करा दिए, एग्जाम्पल दे दिए, ये आपको काफी चीजें मैंने बता दी। विशेषकर आपको सतत फलन और अवकलनीय फलन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी रोल प्रमेय और लैग्रांज प्रमेय के आप सवाल कर पाओगे, अन्यथा सवाल नहीं कर पाओगे। क्योंकि उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, कौन सा फलन है जो सतत है और अवकलनीय है, इसके लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको लैग्रांज और रोल प्रमेय करवा दिया है। अब मैं प्रश्नावली 9 लूंगा, सीधा समाकलन। समाकलन लेने का मेरा 2 ही मकसद है, उसका रीजन सबसे पहला यह है कि अपने अवकलन लेवल पर पढ़ चुके हैं मैंने, इसलिए प्रश्नावली 7 ताकि अवकलन का आपको नॉलेज हो। अपने अवकलन पढ़े, मानक सूत्र के अवकलन पढ़े, अपने प्रतिलोम फलनों का अवकलन पढ़े, अपने फलन के अवकलन ज्ञात किया, अपने प्राचलिक फलनों के अवकलन ज्ञात किए, अपने द्वितीय कोटि के अवकलन ज्ञात किए इस प्रश्न में, और इस प्रश्न में अपने रोल प्रमेय और लैग्रांज प्रमेय भी ज्ञात किया। इसलिए अब अपन सीधा समाकलन पे आएंगे, क्योंकि समाकलन बहुत जरूरी है, क्योंकि गणित के बच्चों के लिए फिजिक्स में भी समाकलन बहुत जरूरी है। इसलिए समाकलन मैं फर्स्ट लेना पसंद करूंगा, क्योंकि चाहूं तो 8वीं प्रश्न में ले सकता हूं, चाहूं तो 6ठी ले सकता हूं, लेकिन नहीं, अब मैं लूंगा 9वीं प्रश्न लेना बहुत ही जरूरी है मेरे। इसलिए आपको कल जो भी चैप्टर आएगा वो 9वीं प्रश्नावली आएगा, अब अपन 9वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे समाकलन, और समाकलन भी मेरे आपको समझाया हुआ है, फिर भी मैं समाकलन लूंगा ताकि अवकलन और समाकलन का बच्चे को नॉलेज हो जाए, तो बच्चा आराम से अच्छे नंबर की ओर एग्रेस करेगा। जिस बच्चे को अवकलन और समाकलन आता है वो बच्चा गणित में कभी भी 80 से कम नंबर नहीं लाएगा, क्योंकि अवकलन समाकलन में महत्वपूर्ण है। रोल प्रमेय का सत्यापन कीजिए, प्रश्नावली 7.6। इससे पहले अपन ने रोल प्रमेय और लैग्रांज प्रमेय पढ़ी थी अपन ने, तो रोल प्रमेय का सत्यापन कीजिए, यानी ये रोल प्रमेय इस बहुपद में लगती है या नहीं लगती है, या इसका अपने को तरीका बताना है। फलन fx बराबर x² + 5x + 6, x बिलोंग टू माइनस तीन और -2, ये अपने को दिया हुआ है। रोल प्रमेय का सत्यापन करना है, तो सबसे पहले देखो इसका हल अपन करते हैं कैसे। हल fx = x² + 5x + 6, जो एक बहुपद है, जो एक क्या है, बहुपद है, और प्रत्येक बहुपद अपने स्वर्त अंतराल में, प्रत्येक बहुपद फलन अपने स्वर्त अंतराल में सतत होता है, और व्युत्पन्न अंतराल में प्रत्येक बहुपद अवकलनीय होता है। तो दो चीजें हो गई अपने पास कंप्लीट। हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद स्वर्त अंतराल में सतत होता है, हम जानते हैं प्रत्येक बहुपद स्वर्त अंतराल में, प्रत्येक बहुपद अपने लिख दो अपने स्वर्त अंतराल में सतत होता है, और विवर्त अंतराल में
अवकल नहीं हो पाएगा। तो ये रॉ प्रोडक्ट की दोनों शर्तों को तो ये कन्वर्ट कर दिया भाई। देखो पहला एफ एक्स जो स्वर्थ अंतराल, स्वर्थ अंतराल माइनस तीन और माइनस दो पर सतत है, ठीक। दूसरी शर्त एफ एक्स जो विवर्त अंतराल माइनस तीन और माइनस दो पर और अवकलनीय है, ठीक। दो शर्त होगी क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक बहुपद अपने स्वर्त अंतराल में सतत होता है और विवर्त अंतराल में अवकलीय होता है। ये गणित के ऐसे सवाल है जो भाषा पर आधारित है, ध्यान रखना। तो अब अपने पास एफ ए, तो यहां ए की जगह अपने पास है माइनस थ्री, फलन के अंदर माइनस थ्री रखो अपन, प्लस सिक्स नौ माइनस पंद्रह प्लस छह बराबर जीरो, नौ प्लस छह पंद्रह, पंद्रह माइनस पंद्रह है जीरो। तो एफ माइनस एफ बी, एफ बी की जगह अपने पास है माइनस टू, यहां रख देते हैं अपन एक्स की जगह माइनस टू रख देंगे और स्क्वायर प्लस पांच माइनस टू प्लस सिक्स माइनस टू क्योंकि चार माइनस दस प्लस छह बराबर जीरो। तो ये एफ ए बराबर एफ बी, यानी ये एफ ए बराबर एफ बी यानी माइनस थ्री बराबर माइनस टू बराबर जीरो, एफ ए बराबर एफ बी आ गया। इसका मतलब दिया गया प्रश्न ए रोल परमिट के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, अतः दिया गया फलन रोल परमेय की तीनों प्रतिबंध कह दो अतः दिया गया फलन रोल परमेय की तीनों प्रतिबंधों और तीनों शर्तों का पालन करता है, इसलिए एफ डैश सी बराबर जीरो और सी बिलोंग टू ए बी होना चाहिए। यह है अपने पास, तो इसको दे रहा हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का डी डब्ल्यू आर टी एक्स करके देखो, तो ये आ जाएगा एफ डैस एक्स, एफ डैस एक्स टू एक्स पावर बार पावर से ही कम, एक्स का हो जाएगा वन, ये आएगा फाइव। या एक्स की जगह अपन सी रखेंगे एफ डैस सी, तो ये आएगा टू सी प्लस फाइव टेंडिंग टू जीरो। तो टू सी प्लस फाइव बराबर आ जाएगा जीरो और टू सी बराबर आ जाएगा माइनस पांच बटा एक मिनट सॉरी टू सी बराबर आ जाएगा माइनस पांच, सी का मान आ जाएगा माइनस पांच बटा दो, यानी माइनस का ढाई, यानी माइनस का आप इसको लिख सकते हो दो सही एक बटा दो, माइनस दो सही एक बटा दो बिलोंग टू माइनस थ्री और टू के मध्य है, इसलिए रोल प्रमेय सत्य है क्योंकि सी का मान माइनस पांच बटा दो यानी
माइनस दो सही एक बटा दो आया है, जो माइनस तीन और दो के, माइनस तीन और माइनस दो के मध्य है, इसलिए रूल परमिट के ये तीनों प्रतिबंधों को भी पालन करता है और एफ डैश सी बराबर जीरो है, तो सी का मान बिलोंग टू ए और बी, ए की जगह माइनस थ्री है और बी की जगह माइनस टू है, तो रोल परमेय के तीनों प्रतिबंधों को यह संतुष्ट करता है। ये रोल परमेय लैग्रैन्ज परमेय दोनों भाषा पर आधारित है, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आपको। मैं इस सवाल को वापस रिपीट कर देता हूं, आप रोल परमेय का सत्यापन कीजिए, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक्स बिलोंग टू माइनस थ्री माइनस टू, इसका हल है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस सिक्स। ये एक बहुपद है, एक बहुपद हम जानते हैं प्रत्येक बहुपद अपने स्वरतंत्राल में सतत होता है और विवर्तंत्राल में क्या होता है, अवकलनीय होता है। तो ये एफ एक्स जो स्वरतंत्राल माइनस तीन माइनस दो पर सतत है, एफ एक्स विवर्तंत्राल माइनस तीन और माइनस दो पर क्या अवकलनीय है, एफ ए, तो इसकी तीसरी शर्त एफ ए बराबर एफ बी, ये आप इसकी तीसरी शर्त कह सकते हो। तो देखो तीसरी शर्त एफ ए का मान आया जीरो, एफ बी का मान भी जीरो, समझो एफ ए बराबर एफ बी, ये आ गया अपने पास। ये तीसरी शर्त अपन चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, यहां से शुरू कर सकते हो, एफ ए का मान आया जीरो और एफ बी का मान भी रखा तो जीरो आया, एफ ए बराबर एफ बी आया तो यानी बराबर मान आ गया। तो दिया गया ये तीनों शर्तें रोल परमेय के तीनों शर्तों को क्या करता है, प्रतिबंधों को पालन करता है या तीनों शर्तों का पालन करता है, तो दिया गया फलन रोल परमेय के तीनों प्रतिबंधों को शर्तों का पालन करता है, इसलिए एफ ए सी बराबर जीरो, सी बराबर एफ बी होना चाहिए, ये रोल परमेय है। तो इक्वेशन फर्स्ट यानी बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स का अवकलन किया, एक्स पावर बार पावर से कम एक्स का वन हो गया, ये एक्स की जगह सी रखा, टू सी प्लस फाइव बराबर जीरो, पांच का मैंने पक्षांतर किया, मैंने दो का लगा भाग और ये आया माइनस पांच बटा दो बराबर सी का मान माइनस दो सही एक बटा दो, जो माइनस तीन और माइनस दो के मध्य है, इसलिए रोल परमेय सत्य है क्योंकि सी का मान इसके विरुद्ध माइनस थ्री और माइनस टू के मध्य आता है, इसलिए रोल परमेय सत्य है। इस प्रश्न में ये आपके हो गया। अब अपन अगला सवाल करेंगे लैग्रैन्ज का, इससे पहले अपन ने कल दो सवाल दिए थे, एग्जाम्पल भी दिए थे, अब अपन करेंगे इसका अगला सवाल।